और फिर जो एमिटेड लाइट है वो आपके फिंगर के थ्रू पास होके इस सेंसर तक पहुंचती है। ब्लड ऑक्सीजन की रीडिंग अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर और स्मार्ट वॉच से कंपेयर करते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर में ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होता है और क्यों स्मार्ट वॉचेस एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं दे पाती है, चाहे वो कितना भी महंगा स्मार्ट वॉच हो, वो ऐसे कौन से रीजंस हैं वो इस वीडियो में समझेंगे। वेलकम टू माई चैनल, आई एम शिवम। ये डायग्राम है पल्स ऑक्सीमीटर की और ये डायग्राम है स्मार्ट वॉच की। पल्स ऑक्सीमीटर में क्या होता है, जो लाइट्स है वो एक तरफ प्लेस होते हैं और दूसरी तरफ प्लेस होता है सेंसर। पर स्मार्ट वॉच में क्या होता है, सेंसर और लाइट्स दोनों एक ही साइड पे लगे होते हैं। मतलब स्मार्ट वॉच में हम कह सकते हैं कि वो यूनिडायरेक्शनल है। पहले इसका समझ लेते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी पल्स ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है उसके बारे में डिटेल में वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना। पल्स ऑक्सीमीटर में लाइट एक साइड से एमिट होती है। देखिए ये मैंने ऑन किया, एक साइड से एमिट होती है। किसी पल्स ऑक्सीमीटर में ये लाइट ऊपर की साइड होती है और किसी पल्स ऑक्सीमीटर में ये लाइट नीचे की साइड होती है और उसके अपोजिट साइड में ये सेंसर होता है, यहाँ पे सेंसर होता है, ठीक है। और स्मार्ट वॉच में क्या होता है, ये देखो ऑक्सीजन सेंसिंग के लिए ये एक लाइट है और उसके ही बाजू में सेंसर है, ठीक है। सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये लाइट एमिटिंग डायोड्स है, दो लाइट एमिट करते हैं और फिर जो एमिटेड लाइट है वो आपके फिंगर के थ्रू पास होके इस सेंसर तक पहुंचती है, ठीक है। आपके फिंगर पे जो स्किन है उस स्किन में जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में जो ब्लड है वो अल्टरनेटली इंफ्रारेड और रेड लाइट एब्जॉर्ब करते रहता है। डिपेंड करता है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है या फिर ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। इस बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि पल्स ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। इस वीडियो में मैं बस स्मार्ट वॉच और पल्स ऑक्सीमीटर के वर्किंग में क्या डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करूंगा और पल्स ऑक्सीमीटर एक्यूरेट क्यों है स्मार्ट वॉच से वो एक्सप्लेन करूंगा। अब इसका समझ लिए, एक तरफ से लाइट एमिट किया, दूसरे तरफ से सेंस किया। लेकिन स्मार्ट वॉच में क्या होता है, स्मार्ट वॉच में ये दो लाइट है और ये फोटो डायोड है, मतलब सेंसर है। इसमें एक ही तरफ से वो सेंस करता है, मतलब इसमें से रिफ्रैक्ट होता है लाइट, समझो लेयर बाय लेयर लाइट अंदर एब्जॉर्ब होगा और फिर लेयर बाय लेयर एब्जॉर्ब होके कम ज़्यादा इंटेंसिटी में फोटोडायोड उसको सेंस करेगा। इस लेयर में नंबर ऑफ कैपिलरीज इस लेयर से कम है, समझो ये लेयर्स है, ऐसे इन लेयर्स में लाइट जाएगा आपके स्किन के अंदर। इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें मान लो फर्स्ट लेयर से होके गुजरा लाइट, उसमें जो नंबर ऑफ कैपिलरीज है वो कम रहेगी। सेकेंड लेयर में ज़्यादा डीप गया लाइट, उसका मतलब है वो ज़्यादा कैपिलरीज के थ्रू होके गुजरा। थर्ड लेयर में भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा डीप गया लाइट, उसका मतलब है उससे सेकंड लेयर से ज़्यादा कैपिलरीज से होके लाइट गुजरा है। फोर्थ लेयर में भी उससे ज़्यादा, ऐसे कई लेयर्स होते हैं, मैंने सिर्फ चार लेयर लिए हैं, ठीक है। तो हमारी काम की लेयर कौन सी है जो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगी, वो एकदम लास्ट वाली लेयर है। मतलब हमें क्या करना है, टास्क क्या है हमारा, जितने ज़्यादा कैपिलरीज के थ्रू पास होके लाइट आएगा उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट अपना ऑक्सीमीटर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऊपर ऊपर वाली लाइट भी इसमें फोटो डायोड में चली जाती है, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, ऐसे में क्या होता है इसके एक्यूरेसी पे फर्क पड़ता है। लाइट का डेटा इसमें कहीं ना कहीं एकदम कम ज़्यादा होते रहता है। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर के केस में क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर के केस में एक तरफ से लाइट छोड़ा जाता है, दूसरे तरफ से लाइट सेंस किया जाता है, उसमें जो लाइट एमिट किया जाता है जितने भी लाइट के रेज जाएंगे उतने लाइट के रेज सेम अमाउंट ऑफ ब्लड के थ्रू होके गुजरेंगे। स्मार्ट वॉच के जैसा नहीं होगा, इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। स्मार्ट वॉचेस में बाहर का लाइट भी इंटरफेयर करता है, मतलब आपने समझो स्मार्ट वॉच पहना है, इसमें जो बाहर का लाइट आएगा वो लाइट भी इसमें इंटरफेयर करेगा। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर में क्या होता है, मोस्टली आपका फिंगर कवर्ड होता है और कवर किए हुए फिंगर में ही लाइट पास किया जाता है। ये देखिए लाइट के रेज यहाँ से स्टार्ट होके दूसरे तरफ गुजर रहे हैं, इससे बाहर के लाइट का इंटरफेरेंस भी कम होता है, जिससे नॉइज लेवल भी सबसे ज़्यादा कम होती है पल्स ऑक्सीमीटर में, और सबसे ज़्यादा नॉइज लेवल आती है स्मार्ट वॉचेस में। और भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्मार्ट वॉचेस को, जैसे कि डार्क स्किन टोन्स, आपके विज पे हेयर हो सकते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं आपकी स्किन की थिकनेस क्या है। डार्क स्किन टोन हुई तो डार्क कलर ही लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा
और काफी कम अमाउंट ऑफ लाइट कैपिलरीज तक पहुंच पाएगा और कैपिलरीज से होके सेंसर तक पहुंच पाएगा डार्क स्किन टोन हुई तो। लेकिन फिंगर पे क्या होता है, फिंगर पे मोस्टली ये साइड फेयर होती है। स्किन टोन डार्क भी हुई तो बॉडी में अपना पाम फेयर होता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। मैंने जो पॉइंट्स बताए वो कहीं ना कहीं स्मार्ट वॉचेस के रीडिंग्स पे अफेक्ट करते हैं और इसीलिए स्मार्ट वॉचेस को आज तक मेडिकली यूज करने के लिए अप्रूवल नहीं मिला है, चाहे वो एप्पल वॉच हो या कौन से भी हो। एप्पल वॉच को भी अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक मेडिकली यूज करने के लिए, क्योंकि एप्पल वॉच में भी सेम यूनिडायरेक्शनल सेंसर यूज किया जाता है। मतलब एक ही सरफेस पे लाइट भी होता है और एक ही सरफेस पे सेंसर भी होता है, ऑप्शन ही नहीं है ना वॉच को ऐसे पहनेंगे तो नीचे के साइड से कैसे लगाने वाले हैं, एक ही साइड पे सेंसर और लाइट प्लेस करना पड़ेगा। आई होप मैंने जो पॉइंट्स बताए वो आपको समझे होंगे। इन दोनों की जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स इतने वेरी क्यों करते हैं, क्योंकि सेंसर की प्लेसमेंट, इसमें सेंसर की प्लेसमेंट डिफरेंट है और ये कई सालों से एक्सेप्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है। और इसमें जो प्लेसमेंट है वो साइड बाय साइड है सेंसर और एमिटर की, इसलिए इसकी एक्यूरेसी कम है। पल्स ऑक्सीमीटर्स ईयर लोब पे भी यूज़ किए जाते हैं, ये फिंगर वाला है, लेकिन जो आईसीयू में यूज़ होते हैं उसमें ईयर लोब पे भी यूज़ करने के लिए एक प्रोब आता है, उसमें भी यही होता है, एक साइड से लाइट एमिट करते हैं और दूसरे साइड से सेंस करते हैं, वहाँ पे भी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। दो जगह बॉडी पे ऐसे माने जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन रीडिंग के लिए एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मिलती है, एक फिंगर और एक ईयर लोब। इवन एप्पल वॉच भी एक्यूरेट नहीं है, आप चेक करो एप्पल वॉच में भी यही सेम प्लेसमेंट यूज हुई है और वो भी इसके जैसे पल्स ऑक्सीमीटर के जैसे एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाती है। अब आप बोलोगे कि ये कुछ भी फेंकता है, एप्पल वॉच तो एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच इनएक्यूरेट हो ही नहीं सकती, तो आप खुद चेक करके देख लो, एप्पल वॉच को भी मेडिकली यूज करने के लिए अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक। मैंने भी एक डिवाइस बनाया है, ये देखिए ये डिवाइस मैंने खुद बनाया है। बेसिकली ये पल्स ऑक्सीमीटर के लिए स्पेशल डिवाइस नहीं है, इस डिवाइस का पर्पस अलग है, ये सीजर डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है एपिलेप्टिक सीजर डिटेक्शन एंड अलर्ट सिस्टम, इसे मैंने खुद बनाया है और इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा फीचर के तौर पर पल्स ऑक्सीमीटर भी ऐड कर दिया है। लेकिन ये डिवाइस भी यहाँ पे आर्म पे लगने वाला है, इसलिए इसकी भी प्लेसमेंट वही यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, यहाँ से बैंड्स लगेंगे, इसको डिटैचेबल बैंड्स है और ऐसे आर्म पे लगता है। ये जो सीजर आते हैं, मतलब जर्किंग या फिर स्टिफनेस ऑफ द मसल्स, किसी किसी को प्रॉब्लम होता है सीजर का, वो सीजर डिटेक्ट करता है और केयर टेकर और मोबाइल ऐप पे अलर्ट भेजता है, ठीक है। इसमें जो पल्स ऑक्सीमीटर है जो मैंने ऐड किया है इसमें एक्स्ट्रा फीचर के तौर पर, ये भी यूनिडायरेक्शनल है, इसलिए मैं खुद भी इसे क्लेम नहीं करूँगा, हालांकि मैं खुद नहीं बनाया है, लेकिन मैं खुद भी इसे क्लेम नहीं करूँगा कि ये एक्यूरेट रीडिंग ही देगा, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। ये LED लाइट्स है और उसके बाजू में ही उसका सेंसर लगा है, इसमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल में वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन एक बार पेटेंट मिल ले दो, पेटेंट मिलने के बाद एकदम डिटेल में इस डिवाइस के बारे में आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल पे और एक वीडियो है जिसमें मैंने स्मार्ट वॉच और पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग्स को कंपेयर किया है 90% ऑक्सीजन पे, मतलब मैं थोड़े टाइम ब्रीथ रोक के मेरा खुद का ऑक्सीजन 90 के नीचे लेके गया था, 88 तक लेके गया था और उस ऑक्सीजन पे दोनों को कंपेयर किया था। रिजल्ट शॉकिंग है, पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन 88, 89, 90 बता रहा है और ये स्मार्ट वॉच 99, 98, और इसके साथ एक दूसरा भी था, ऑनर बैंड भी था, और ऑनर बैंड भी 96, 97 ऐसे रिजल्ट दे रहा है। तब सोचो क्या होगा जब आपका एक्चुअल में ऑक्सीजन कम होगा, आपका आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम होगा लंग्स का, तब आपका क्या होगा, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में पता नहीं चलता। आपने अगर स्मार्ट वॉच लेके रखी है और पल्स ऑक्सीमीटर नहीं लिया है तो आप स्मार्ट वॉच ही यूज़ करोगे। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा स्मार्ट वॉच ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए यूज़ करने के लिए। हाँ, फैशन के लिए यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते, लेकिन मेडिकली यार मत यूज़ करो। मुझे मेरे बाकी के वीडियोज़ पे भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि हम 2-3 हज़ार का पल्स ऑक्सीमीटर लें, उससे अच्छा स्मार्ट वॉच ही ले लें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर स्पेशल ऑक्सीजन सेंस के लिए ही बना हुआ है और स्मार्ट वॉच जो है वो बाकी सारे चीज़ों के लिए बना है और एक एक्स्ट्रा फीचर के तौर पर स्मार्ट वॉच में ऑक्सीजन इम्प्लीमेंट किया गया है, जैसे मैंने इस डिवाइस में किया है, एक एक्स्ट्रा फीचर है,
मैं ये क्लेम नहीं करूँगा, ये स्पेशली ऑक्सीजन के लिए मैंने बनाया नहीं है, ये बनाया दूसरी चीज़ के लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा फीचर उसमें इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए मैं आपको स्मार्ट वॉच ऑक्सीजन के लिए रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आगे भी आते रहेगी। थैंक यू।